हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा इंडियन वेडिंग गेस मेकअप लुक। तो चलिए वीडियो की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेकअप से पहले होता है हम लोगों को स्किन केयर करना। स्किन केयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अब स्किन केयर को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ फिलग्रीन का विटामिन सी सीरम, जिसको मैंने ऑल ओवर फेस में अप्लाई कर लिया और जस्ट मैं मसाज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए वादी हर्बल का लिप बाम लिया है, जिससे मेरे लिप मॉइस्चराइज हो जाए। देन मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाईलाइटिंग प्राइमर लिया है। ये प्राइमर बेस्ट प्राइमर है, तो अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई कर लेना। इसे जस्ट आप टी जोन एरिया पे अपनी अप्लाई करें और जस्ट ब्लेंड कर दें, उसके बाद आप अपने फेस की ग्लो देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन का। यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। इसे मैं जस्ट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। यहाँ पे मैं ग्लैम 21 का कंसीलर स्टिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये कंसीलर स्टिक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और बहुत ही अच्छा कवरेज दे देता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आप कंसीलर को पिगमेंटेड एरिया यानी कि एक्ने मार्क्स पे, डार्क सर्कल्स में अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आप इसे स्लोली ब्लेंड कर लें। देन मैं यहाँ पे परफ्यूम का मल्टीपल कलर आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, जिसमें से मैंने ये डार्क ब्लू शेड लिया है, जिसको मैंने ऑल ओवर आई लिड पे अप्लाई कर लूँगी। सेम पैलेट से मैं सेम कलर को पिक किया है, जिसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। इससे करने से आपके आई लुक बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद मैं यहाँ पे NYV का वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ आँख में अपने लोअर लैश लाइन पे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, ये बेस्ट वाइट काजल है। उसके बाद मैं यहाँ पे पर्पल का मस्कारा अप्लाई करूँगी अपने लैशेस पे। देन आईब्रो फिलअप करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल लिया है, जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से आईब्रो आपकी फिलअप हो जाती है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना ये प्रोडक्ट भी। ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट यहाँ पे लिया है। ये ब्लश पैलेट वन ऑफ द बेस्ट पैलेट है ब्लश का, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर लिया है। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे आइबा कॉस्मेटिक का ये मैट लिपस्टिक लिया है। आप इसकी शेड देख सकते हो, स्क्रीन पे मेंशन है। बाकी अदर्स प्रोडक्ट्स की डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी हूँ। ये है मेरा फाइनल लुक, तो आई होप आप लोगों को मेरा ये फाइनल लुक पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टिल देन, बाय, लव यू, टेक केयर।